हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाइव लॉज ऑफ ओसीएलसी। तो हम लोगों ने सभी ने फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ा है, जो कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया है। तो वो कौन कौन से लॉज थे? तो फर्स्ट लॉ था बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हीज हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अब ओसीएलसी के द्वारा भी फाइव लॉज दिए गए हैं। उसमें सबसे फर्स्ट लॉ आता है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। एवरी पर्सन या रीडर आप बोल सकते हैं, ही इज हर बुक, बुक्स आर फॉर यूज, एवरी बुक इट्स रीडर, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट है। इस बार के यूजीसी नेट में भी फाइव लॉज ऑफ ओसीएलसी आया हुआ था। इससे क्या होता है, अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है और मैच द फ्लॉबिंग में फाइव लॉज ऑफ ओसीएलसी आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्रॉपर तरीके से इसका नोट्स बना के इसको लर्न कीजिएगा। अब हम लोग ओसीएलसी के बारे में देख लेते हैं। ओसीएलसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ओसीएलसी का एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे इसका नाम क्या था? तो ओयू कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। प्रेजेंट टाइम में इसका नाम क्या है? तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है? तो 5 जुलाई 1967। इस्टेब्लिशमेंट डेट बहुत बार पूछता है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर बहुत बार पूछता है, प्रेजेंट टाइम में इसका क्या नाम है फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है, तो याद रखिएगा इसको भी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो डुबलिन। वर्ल्ड की ये फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क है, ये इंटरनेशनली सारे लाइब्रेरीज को क्या करती है, कनेक्ट करके रखती है। DDC का जो पब्लिकेशन है वो 1988 से प्रेजेंट टाइम तक OCLC के द्वारा ही हो रहा है। OCLC ने 1995 में डुबलिन को मेटा डाटा दिया था, जिसमें 15 एलिमेंट्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पब्लिकेशंस जो है कि OCLC के द्वारा क्या क्या पब्लिकेशंस है। OCLC देखिए 1967 में आया था, लेकिन जो है इसका ऑनलाइन सर्विस जो है इसने OCLC ने 1971 में स्टार्ट किया है, तो ये भी याद रखना है। इसके पब्लिकेशंस में आता है वर्ल्ड कैट, वेब जैक्शन, क्वेश्चन पॉइंट, ओपैक, वर्ल्ड शेयर, DDC, कंटेंट DM, टिपासा, इजेट प्रॉक्सी, वर्ल्ड शेयर, टच पॉइंट। अभी जो KVS का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि कंटेंट DM इज अ प्रोडक्ट ऑफ, तो पता होना चाहिए कंटेंट DM जो है किसका प्रोडक्ट है, तो OCLC का है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट लाइब्रेरी नेटवर्क क्या है, तो OCLC, ये भी पॉइंट याद रखना है। अब हम लोग इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में देख लेते हैं। DB सर्विसेज में ये क्या करता है OCLC, बहुत सारे DB डेसिमल क्लासिफिकेशन से अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रदान करता है, जैसे कि वेब DB हो गया, ऑटोमेटेड क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग का फीचर आपको प्रोवाइड कराता है। टिपासा क्या है? तो टिपासा एक क्लाउड बेस्ड इंटर लाइब्रेरी लोन मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि आपको बुक जो है बोरो या लैंडिंग उधार लेने में क्या करता है, दूसरी लाइब्रेरी से हेल्प करता है। तो ये भी एक टाइप का आपको क्या करता है, OCLC के द्वारा आपको फीचर मिलता है, जिससे आप लाइब्रेरी में और अच्छा ग्रोथ कर पाते हैं। अब कंटेंट DM क्या है? तो कंटेंट DM एक डिजिटल कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि लाइब्रेरीज में क्या करते हैं, स्टोर, मैनेज और डिजिटल जितने भी एसेट है, जैसे कि इमेज, ऑडियो या डॉक्यूमेंट्स, उस सबको क्या करता है, अच्छे से कलेक्ट करके रखने का काम करता है। ये होता है कंटेंट DM का काम। अब देखिए क्वेश्चन पॉइंट क्या है? एक वर्चुअल रेफरेंस सॉफ्टवेयर है, जो कि OCLC के द्वारा आपको दिया जाता है। क्वेश्चन पॉइंट क्या करता है? आपको एक रियल टाइम चैट सर्विस प्रोवाइड करवाता है, ईमेल, SMS बेस्ड। इससे क्या होता है कि जो बच्चे यूजर्स हैं उनको रेफरेंस सर्विस में काफ़ी हेल्प मिलती है। क्वेश्चन पॉइंट एक तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ाता है लाइब्रेरी स्टाफ और यूजर्स के बीच में। अब एम्बलिप क्या है? तो एम्बलिप एक इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट लाइब्रेरी सिस्टम डेवलप्ड बाय OCLC। एम्बलिप क्या है? एक डिजाइन इस तरीके से ऑटोमेट और डिज़ाइन किया गया है कि ये वेरियस लाइब्रेरी फंक्शंस आपको प्रोवाइड करवाता है, जिसमें आपका आता है कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, एक्विजिशन। ये आपको अलग अलग टाइप के टूल्स और फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरीज में जितने भी कलेक्शंस हैं उसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं। अब पिकार्टा क्या है? पिकार्टा एक इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है, जिसको डेवलप किया गया है OCLC के द्वारा। इसको जो है ज़्यादातर नीदरलैंड्स की लाइब्रेरी में यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, फीचर्स प्रदान करता है लाइब्रेरीज में उनके कलेक्शंस को मैनेज करने के लिए, उनके रिसोर्सेज को एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए। अब फर्स्ट सर्च क्या है? तो फर्स्ट सर्च एक ऑनलाइन सर्विस दिया जाता है, किसके द्वारा, तो OCLC के द्वारा। ये क्या करता है आपको कि एक्सेस प्रदान करता है लाइब्रेरीज में, बहुत सारी टाइप की डाटाबेसेस होते हैं, बिब्लियोग्राफिक डाटाबेसेस होती हैं,
उन सब का एक्सेस प्रदान किसके द्वारा होता है, किस सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है, तो फर्स्ट सर्च के द्वारा। अब वेब जंक्शन क्या होता है, तो वेब जंक्शन एक टाइप का ऑनलाइन लर्निंग एंड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जिसको OCLC के द्वारा प्रदान किया गया है। वेब जंक्शन क्या करता है, आपको अलग अलग टाइप के फीचर्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, रेगुलर क्या अपडेट रह सकते हैं, लाइब्रेरी से रिलेटेड जितना भी आपको चीज़ें जानना हो उससे आप रेगुलर अपडेट रह सकते हैं। तो ये जो है आपको याद रहना चाहिए कि OCLC का, तो सबसे पहले आपको क्या क्या याद करना है, OCLC के द्वारा ये जो 5 लॉज है ये, उसके बाद डॉक्टर एसआर रंगनाथन के द्वारा जो 5 लॉज है ये और इसके इम्प्लीकेशंस तो आपको याद रखने ही होंगे। उसके बाद OCLC इस स्लाइड में जितने, इस PPT में जितने स्लाइड है वो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। OCLC से मैक्सिमम क्वेश्चन आ ही जाता है, तो OCLC का याद रखिएगा कि प्रेजेंट टाइम में नाम क्या है, पहले नाम क्या था, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, और वर्ल्ड का फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क है, इसके पब्लिकेशंस में क्या क्या आता है, तो पहले DV सर्विस, पिपासा, कंटेंट DM, क्वेश्चन पॉइंट, एम्बलिव, पिकाटा, फर्स्ट सर्च, वेब जंक्शन, तो ये सारे इसके पब्लिकेशंस हैं, सर्विसेज जो कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो कि OCLC के द्वारा मिलता है हम लोग को। तो ये था आज का हम लोग का टॉपिक, तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID से जुड़ सकते हैं, और उसका जो लिंक है आप मेरे चैनल के अबाउट में जाइएगा, वहाँ पे इंस्टाग्राम होगा, आप उससे जाके ज्वाइन हो सकते हैं, या तो सोर्स क्लासेस सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू।